कश्मीर को लेकर पाकिस्तान चाहे कितनी हाय तौबा मचा ले, लेकिन अपनी जेब में पाव भर के न्यूक्लियर बम लेकर घूम रहा पाकिस्तान भी जानता है कि भारत से टकराने की उसकी औकात नहीं। खुद पाक के पीएम बेचारे इमरान खान भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान भारत से टकराया तो उसका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। और अब तो भारत की वायुसेना को ऐसी ताकत मिली है कि दुश्मन चाहे किसी कोने में छुप जाए या किसी बिल में घुस जाए, लेकिन सेना के वार से नहीं बचेगा। वायुसेना ऐसा कहर बनकर टूटेगी कि दुश्मन के छक्के उड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त और इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुए सैन्य समझौते का अब असर दिख रहा है। भारत को इसराइल से मिलने वाले स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड बम की बड़ी खेप वायुसेना को मिलना शुरू हो गई है। रविवार को मार्क 84 वॉरहेड और बमों के साथ स्पाइस 2000 बमों की पहली खेप ग्वालियर पहुंच गई। लेजर गाइडेड बमों की आपूर्ति से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। ये लेजर गाइडेड बम इतने खतरनाक होते हैं कि अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं और एक बार में ही पूरी बिल्डिंग को धूल में मिला सकते हैं। इससे पहले भारत ने इसराइल से स्पाइस 2000 स्मार्ट बम की 200 यूनिट खरीदी थी। इस स्मार्ट बम के साथ एक जीपीएस गाइडेड किट लगाई जाती है जो हवा में गिरने वाले अनप्लग्ड बमों को सटीक निशाना लगाकर उड़ा सकता है। जानकारी के मुताबिक इसराइल के साथ अभी ये 300 करोड़ रुपए की लागत वाली लेजर गाइडेड बमों की डील है। ये डील एक बार पूरी हो जाएगी तो वायुसेना और बड़ी संख्या में बमों की खरीद का आदेश दे सकती है। दरअसल अभी भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान स्पाइस 2000 बमों से लैस हैं। ये वही स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड बम है जिनका इस्तेमाल कर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में तबाही मचा दी थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक में वायुसेना ने जैश के आतंकी शिविर पर हमला किया था। इस एयर स्ट्राइक में 250 से 300 आतंकियों के ढेर होने की खबर थी। खबरों की माने तो भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल लड़ाकू विमानों को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वायुसेना सुखोई 30 MKI को भी मॉडिफाई करवा कर स्पाइस 2000 बमों से लैस करवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सुखोई 30 को भी इसराइल भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि लेजर गाइडेड बम अपने सटीक निशाने पर तबाही मचाने के लिए सबसे बेहतर माने जाते हैं। ये बम पहले अपना टारगेट सेट करते हैं और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद दुश्मन पर तबाही का मंजर लेकर टूट पड़ते हैं। इसके वार से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चंद सेकंड में ये बम दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेजर गाइडेड बम दुश्मन और आतंकियों के बंकरों को भी आसानी से तबाह कर सकता है। ये बम वॉरहेड का इस्तेमाल कर आसानी से पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा सकता है। इन लेजर बमों को दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। वायुसेना में इसकी ताकत बढ़ जाने से देश का दुश्मन अब उठेगा नहीं, उठ ही जाएगा।